थे तो हमें घर में थोड़ा काम शाम रहता था, खेती बाड़ी का भी काम रहता था, तो सुबह घर का काम शाम करके तो लेट हो जाता था हमें। स्कूल बहुत तेज़ से जाते थे हम, और नाले भी होते थे, नाले क्रॉस करने पड़ते थे, तो हम गए तो लेट पहुँचा, मॉर्निंग असेंबली में लेट पहुँचे, तो सर ने बोला कि आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम डेली लेट आते हो। तो हमने उसमें क्या करा कि हम साइड पर बंक मार दी और वो बिल्कुल उसी दिन स्कूल गए ही नहीं, स्कूल गए नहीं। तो सर ने बोला कि स्कूल आओगे नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। फिर हम रिसेस हुई तो मैं रिसेस में स्कूल के अंदर गया हूँ, वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। लेकिन उसमें भी ये था कि जो टाइम में हमने बाहर स्पेंड करा था उसमें हम दो तीन दोस्त थे, हमने मैथ खोला और मैथ पे लिखने लगे। मतलब अच्छा, जब आप ना इंटरव्यू देने के लिए गए थे जी, कोई ऐसा सवाल आपको लगा हो कि यार इसने मुझे फंसा दिया? JKPSI का एग्ज़ाम भी क्लियर किया लेकिन नहीं गए, क्योंकि मन में एक उम्मीद थी कि नहीं ये एक छोटा लेवल है, मेरा थोड़ा अप्रोच बड़ी है और मैं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। अच्छी खासी नौकरी मिल रही थी, लोग जा सकते थे, लेकिन क्वालिफाई करके इन्होंने छोड़ा और अपनी जो तैयारी थी JKPSI की वो कंटिन्यू रखी। वही शख्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने 36th रैंक हासिल किया है JKPSI के रिज़ल्ट में और इनका नाम है देवेंद्र सिंह मनहास। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, आपको भी। कैसा लग रहा है सर? काफ़ी अच्छा लग रहा है रिजल्ट के बाद। इवन तो इतने बेस्ट विशेज और कंग्रेचुलेशन है कि सबको मैं अभी तक कॉल कर ही पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोग जुड़ रहे, इतने लोग खुश हैं मेरी वजह से, मेरी परफॉर्मेंस से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 2020 से लगा, 2020 मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं प्रोफेशन में लग गया। ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली? पहले भी मैं पढ़ रहा था लेकिन एक डेडिकेशन प्रोफेशन में 2020 से स्टार्ट करा। मतलब ग्रेजुएशन करके सोच लिया कि बाकी चीज़ें साइड पे रखो? हाँ बिल्कुल, सिर्फ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस इसके सिवाय कुछ नहीं। तो इससे पहले आप एग्ज़ाम दे चुके हो? हाँ, इससे पहले मैं पहला अटैम्प्ट मेरा में नहीं हुआ था, JKPSI का पहला अटैम्प्ट मेरा नहीं हुआ था। प्रीलियम? हाँ प्रीलियम ही नहीं हुआ था, प्रीलियम भी नहीं हुआ था। लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मैंने प्रीलियम भी, मेंस भी और फाइनली 36 रैंक। ठीक है, तो ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल था। ग्रेजुएशन भी आपने? ग्रेजुएशन भी मेरा, ग्रेजुएशन मेरा पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी एज ए कोर सब्जेक्ट था, तो वही मैंने ऑप्ट करा था कि अच्छा रहता है कि ग्रेजुएशन से कई चीज़ें सिंक हो जाए अपने प्रिपरेशन। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी आपने? मैं MM कॉलेज जम्मू से। MM कॉलेज जम्मू से। मतलब 12th करके अपने गांव को छोड़ के आगे? नहीं, 10th में मैं अपने गांव को छोड़ गया था। 10th मैंने अपना गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ से करी, उसके बाद मैं 11th में इधर आ गया था। 11th मैंने रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल से परेड से करा। अच्छा, तो अकेले रहे शुरुआत से? घर से जब निकले तब अकेले रहे, सिर्फ मेरे कज़न मेरे साथ होते थे। मतलब सोच लिया था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो अब मिल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 10th की और 10th के बाद ही सोच लिया कि अभी तो मुझे अपने इलाके में नहीं रहना है, अभी छोड़ दूंगा। और 10th के बाद अकेले रहे जम्मू में, अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करी, 12th करी, उसके बाद ग्रेजुएशन भी करी। 2020 के बाद लगातार तैयारी इनकी रही JKPSI के लिए, और इसी के साथ में शायद UPSC का भी आपने दिया होगा जी। तो उसका क्या कोई प्रीलियम वगैरह कुछ करा? उसका मेरा प्रीलियम नहीं हुआ, मेरे 3 अटेम्प्ट से होंगे उसमें। अच्छा, 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं इनके UPSC के, और हमेशा इनका CSAT की वजह से रह जाता था। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट मेरा CSAT की वजह से। एक कहा जाता है कि ऐसे बड़े एग्जाम्स क्लियर करने के लिए बड़ी हाई फाई कोचिंग की नीड होती है, बंदा फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कोचिंग ये है कि अगर किसी बंदे को कोई गाइड नहीं कर पा रहा, जैसे मेरा कोई ऐसा नहीं था जिस बंदे से मैं रेगुलरली मिल पाऊँ और अच्छे से गाइड कर पाए, तो इसलिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी कि आपको अच्छा गाइडेंस के लिए। लेकिन कहीं बोले कि खाली कोचिंग से सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन कि कोचिंग से मैंने एक दो साल कोचिंग के बाद मेरे फिर लग गए, लेकिन ये है कि कोचिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस देती है, आपका जो सिलेबस है उसको डिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है। तो बाकी अगर किसी बंदे को अपना कोई हेल्प कर रहा है, जैसे मेरा कोई कज़न करेगा या कोई क्लोज नियर बाय कर रहा है, तो मैं उसको अगर गाइड करूँ तो कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपने कोचिंग ली थी? हाँ मैंने लिया था। कितने साल? मैंने 1 साल कोचिंग लिया था। तो इस समय उसके बाद लाइब्रेरी आपकी रही? हाँ बिल्कुल, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर दिया और बिल्कुल लाइब्रेरी में बैठे रहे और सब स्टडी करना शुरू कर दिया उसके। अच्छा, जब आप ना इंटरव्यू देने के लिए गए थे जी, कोई ऐसा सवाल आपको लगा हो कि यार इसने मुझे फंसा दिया? मेरा जो इंटरव्यू था बहुत फैक्चुअल गया था, बहुत सारा फैक्चुअल पूछ रहे थे जैसे, तो मुझे 2-3 सवालों में मैं फंसा। तो इंटरव्यू में ऐसा क्या क्या सवाल थे कुछ याद हो आपको? एक तो उन्होंने ये पूछ लिया था कि
लेजिस्लेटिव जो काउंसिल जो क्रिएट की जाती है, अभी जे एंड के में लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे नहीं है, उन्होंने बोला कि किन किन स्टेट में बाइकैमरल है, तो मैंने स्टेट के नाम तो बता दिए, बाकी उन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर क्रिएट करनी हो तो कैसे क्रिएट होती है, तो मैंने बोला कि बिल प्रस्तुत होता है और 10 दिन की रिकमेंडेशन चाहिए होती है उस बिल के लिए, वो स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करती है। उन्होंने फिर आर्टिकल पूछ दिया मेरे को, बहुत अंदर जा रही थी, तो आर्टिकल मुझे उस टाइम में याद नहीं आ रहा था, बड़े डीप तक गए क्योंकि जो भी बात मैं उनको कर रहा था, मतलब कि वो चाह रहे थे कि बिल्कुल फैक्चुअल से बात करें, अगर मैं कोई बात करूँ तो कहाँ पे लिखी है ये बताओ, तो वो चीज़ें थोड़ा दिक्कत हो जाती थी। लेकिन अच्छा, ये सवाल कोई और सवाल आपको लगा हो? हाँ, एक दूसरा ये पूछा था कि एक राइस कल्टीवेशन पे पूछा था, एक दूसरा पूछा था कि मुगल टाइम जम्मू कश्मीर में कब आया, अभी याद है, अभी आ रहे हैं याद आपको। हाँ, ये पूछा कि बराबर डेट बताओ, 1500 कुछ डेट में बता रहा था, मैंने बोला एग्जैक्ट डेट कहीं कहीं लिखा था, मेरा बहुत फैक्चुअल था, बहुत फैक्चुअल लिया था। अच्छा, तो आपने क्या जवाब दिया उस टाइम? हाँ, मैंने बोला कि सर मैं ये बोलता कि इवन के 16th century में आई थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, तो मैं बिल्कुल उनका ब्लफ कर ही नहीं सकते हो, तो जो आप हैं तो रियलिटी के, वो शायद ये भी पूछ रहे कितना इसके अंदर वो मतलब सच बोलने का कैपेबिलिटी है, तो मैं सॉरी सर अभी मतलब चीज़ याद नहीं कर पा, जो चीज़ नहीं पता है तो साफ बोल देना, बिल्कुल सॉरी। देखो कहीं ना कहा जाता है कि एक बंदा गया UPSC का एग्जाम देने के लिए, वो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा ऐसे, मतलब स्टूडेंट्स में बातें होती हैं कि तू कितने कदम चल के आया, और बंदे ने तुक्के से बता दिया जी मैं इतने हजार चल के आया। नहीं, तुक्का नहीं माना। नहीं, मतलब ये बातें रहती हैं। हाँ। कि अच्छा वो आया तो खिड़की से कूद जाओ, ऐसे हाँ। बातें चलती है ना, फिर बंदे ने क्या किया कि छत से नहीं कूदा, वहां से आया तो वापस पीछे की तरफ कूद गया। हाँ, वो ऐसा होता है या बस बोलने की बात है? लगता है कि SSB के जो इंटरव्यू होते हैं, जो मिलिट्री वाले इंटरव्यू होते हैं, ये में हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं होता ना, ज्यादा मतलब ये बातें इनको हम टोटली बोलते हैं कि ये चीजें नहीं होती। UPSC के इंटरव्यू में ऐसा मुझे नहीं लगता है, कहीं या JKPSC के इंटरव्यू में होता होगा। तो जो लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं कि इस तरह के फालतू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते। जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर होते हैं, जैसे कि इन्होंने हमारे साथ जिक्र किया। अच्छा, आपने बचपन में कुछ ऐसा किया हो कि लगे कि यार अभी तक दिमाग से नहीं निकल पा रहा होता, लेकिन बच्चे शरारती होते हैं, आप भी शरारती होंगे, शरारती था कुछ ऐसा कुछ किया हो कि लगे नहीं अभी दिमाग से नहीं निकलता? क्योंकि मुझे याद है मेरी बार मैंने तो बहुत कुछ किया हो, अभी आप बताओ आपने कुछ ऐसा किया हो तो। मुझे याद है 10th में एक बार क्या हुआ कि हम स्कूल जा रहे थे, तो हमें घर में थोड़ा काम शाम रहता था, खेती बाड़ी का भी काम रहता था, तो सुबह घर का काम शाम करके तो लेट हो जाता था, हमें स्कूल बहुत तेज़ से जाते थे, और नाले भी होते थे, नाले क्रॉस करने पड़ते थे, तो हम गए तो लेट पहुँचा, मॉर्निंग असेंबली में लेट पहुँचे, तो सर ने बोला कि आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम डेली लेट आते हो, तो हमने उसमें क्या करा कि हम साइड पे बंक मार दी, और वो बिल्कुल उसी दिन स्कूल गए ही नहीं, स्कूल गए नहीं, तो सर ने बोला कि स्कूल आओगे नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, फिर हम रिसेस हुई तो मैं रिसेस में स्कूल के अंदर हुआ हूँ, वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। लेकिन उसमें भी ये था कि जो टाइम में हमने बाहर स्पेंड करा था उसमें हम 2-3 दोस्त थे, हमने मैथ खोला और मैथ पे लिखने लगे, मतलब बंक मार के भी पढ़ाई कर रहे थे आप? बंक मार के भी पढ़ाई करी, ये होते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। मैं डर के मारे में मार पड़ेगा, हम स्कूल में नहीं गए, लेकिन जहाँ बंक मारने गए थे वो थोड़ा एरिया थोड़ा शांत एरिया है, उधर अभी मैं नाम नहीं याद पा रहा हूँ, बड़ा अच्छा नाम बोलते हैं उधर, हमारे आज जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके उधर बोलते हैं, एक नाम है भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वहाँ पे भागे गए, वहाँ भागे, लेकिन वहाँ पे बड़ा शांत एरिया, मस्ती की, वहाँ भी मैथ सॉल्व किया, मेरे फ्रेंड बोलने लगे यार तेरा मैथ अच्छा है हमें समझा ले, तो मैंने बड़ा नेचर था कि मैंने बोला चलो ठीक है खोलो तो समझा, मजे से समझा। तो ये कितना सच्चा है कि सोशल मीडिया ये वो शादी ब्याह से हर एक चीज़ से कट जाना और टोटली पढ़ाई में घुसे रहना, ऐसा होता है कुछ? यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई बोले कोई कोई बोलते कि 14 घंटे पढ़ा, मेरा नहीं है, मैं बिल्कुल जब मेरा मेहमान के मेंस भी था तो मैं 7-8 घंटे एवरेज लगा के रखो, मैंने कभी 14 घंटे नहीं पढ़ा। अब कुछ लोग बोलते हैं लगातार गैप, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी रखी है, बिल्कुल डेली लाइब्रेरी जाना है, संडे को सिर्फ कहीं रिक्रिएशन एक्टिविटी कर दी, खेलने चलेंगे, तो कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, राजा दिन कि आप एक दिन 14 दिन पढ़ो, दूसरे दिन पूरे दिन सोए हो या कुछ कर दे, तो नहीं, हर दिन पढ़ो 7-8 घंटे पढ़ो तो अच्छे से हो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ मुझे स्पोर्ट भी ज़रूरी है, मतलब कि मैं खेलता था क्योंकि मुझे 7 दिन के बाद बिल्कुल बोरिंग लगता था, तो मैं क्रिकेट थोड़ा खेलता था। तो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, फेसबुक अकाउंट अभी जस्ट मैंने खोला है, इंस्टाग्राम को थोड़ा बंद रखा था मैंने कॉलेज टाइम पे था, तो व्हाट्सएप तो मेरा चलता रहता था, उसमें नियर बाई फ्रेंड होते हैं तो वो मेरा था। मतलब इतना है कि कुछ बोलते हैं टोटली कॉन्टैक्ट तोड़ देने चाहिए, टोटल कॉन्टैक्ट ऐसा कुछ नहीं है, टोटल कॉन्टैक्ट नहीं है, कभी कभी मैंने जैसे मैं कहीं घूमने जाता था तो मैंने इंस्टाग्राम खोला उस पर फोटो चढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं है कि टोटल कॉन्टैक्ट तोड़ दो, ऐसा नहीं है। तो आगे की तैयारी, जैसे अब UPSC भी एग्जाम दे ही रहे थे, आपका CSAT में रह जाता था,
तो इसके बाद फिर से तैयारी है, क्योंकि हमने जितने पुराने रिजल्ट देखे हैं जो जम्मू कश्मीर से यूपीएससी क्रैक करते हैं 90% वही होते हैं जो पहले से जेकेएस बन गए होते हैं और नौकरी कर रहे होते हैं। तो आपका है प्लान इसके आगे का? हाँ, अभी मेरा भी प्लान है आगे, क्योंकि बड़े लोगों ने बोला कि आपको और डिजर्व करते हो, आप अच्छा कर सकते हो, तो मुझे भी लगता है कि मुझे अभी है मेरा प्लान। एसआई की नौकरी को छोड़ा आपने, तो मन में कुछ आया नहीं कि यार? हाँ, तब थोड़ा बहुत छोटा, तब मेरे डैडी अम्मा इधर ही थे जब मेरा रिजल्ट आया था, ऐसे जम्मू में थे, रूम पे बैठे थे, तो मैंने डैडी ने बोला कि कर लो, तो मैंने बोला करता हूँ डिसाइड। इवन के भैया ने भी बोला कि कर लो यार, इनकम सिक्योरिटी है और घर का मामला है, तो भाई जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे रूरल एरिया के लिए कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, एक दो दिन में दौड़ने में गया, एक दो दिन देश करने में। फिर मुझे एक दिन मैंने भैया को आते बोला कि भैया मेरा मन नहीं मान रहा है, लेकिन वो इतना अंडरस्टैंडेबल थे, उन्होंने बोला मन नहीं बोल रहा है तो यार क्या है, तो यूपीएससी टॉप करेगा फिर क्या है, लग जाए इस पे। अच्छा, मान गए वो कि छोड़ यार, छोड़ तो कोई कोई मतलब नहीं पता कि इसको बिल्कुल मन नहीं है। मैंने बोला भैया मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं ये करूँ मैं यार। बोलेगा क्यों? बोला, मैंने बोला मैं यूपीएससी टॉप कर लूँगा, ऐसे मैंने बोला टेंशन क्यों ले रहे हो, वो टेंशन बड़ी रहती है। तो बोले कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दे, फिर कभी रनिंग पे नहीं है हम। तो डैडी ने भी बोला कि बाद में फ़ोन करा के कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने बोला नहीं कर रहा हूँ। तो डैडी ने बोला ठीक है गो इसके साथ। घर वालों की तरफ से फुली सपोर्ट? बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट रहा, इवन कि इतना मैच्योरिटी दिखाना, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट में रही। तो अभी जब रिजल्ट भी आए तो उससे पहले भी डैडी ने कहा कर रहा है कि टेंशन नहीं लेनी है, सब कूल रहना है, हो गया ठीक है, नहीं होगा तो अगला दे देना। अपनी तरफ से तो बहुत टेंशन थी, लेकिन मुझे भरोसा दे रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी अपना वो चीज़ नहीं कर सकते हो। और इवन कि कौन सा बच्चा जिसको टेंशन नहीं होगी, इवन कि 29 को जो रिजल्ट था तो मैं दोस्तों के साथ स्पेंड कराया मैंने, मैंने बोला कुछ कर ही नहीं सकता हूँ मैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अच्छा, हुआ ऐसा? फील हुआ था ऐसा? एंग्जाइटी बड़ी हुई थी 29 को जब मेरा रिजल्ट आया था शाम को, फिर 11:30 तक नहीं आया, फिर डैडी को मैंने फ़ोन करा, बोला नहीं आ रहा, तो फिर फाइनली हो गया। तो कोई नहीं बोल सकता कि आप कहाँ पे लिस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल। पहले उम्मीद थी आपको, सही बताना, उम्मीद थी आपको कि हो जाएगा पक्का? पक्का की उम्मीद नहीं बोल सकता, मैं सोचा कहीं ना कहीं चलो लास्ट लिस्ट में तो कहीं ना कहीं नाम आ ही जाएगा, पक्का उम्मीद तो नहीं थी। रैंक 36 ले लिया आपने, होप था कि चलो हो जाएगा। आगे ही क्या फ्यूचर में सोच रहे हो अपने इलाके के लिए या जहाँ भी आप जाते हो, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहने वाली हैं, किन चीज़ों पे काम करोगे? मेरी पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि अपना एरिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारूँ, क्योंकि हमने भी जब 10th से अपने गाँव से वैसे सुनने में, देखो मैं टोकना चाहूँगा कि ये चीज़ें क्लियर करते टाइम अच्छी लगती है जब बोलता है इंसान, लेकिन जब सिस्टम में घुस जाता है तो फिर यही चलता है, यही मतलब पैसा करप्शन चलती है। अच्छा, ऐसे सुना है कि पहले बोलने में अच्छा लगता है, बाद में कोई नहीं करता इस चीज़ को फॉलो, आप करोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे फुल कन्विक्शन है कि मैं इस चीज़ पे करूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि अगर जिस बंदे के पास एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं, तो आप वो कहते हैं ना फ्रीडम, फ्रीडम फ्रीडम कम्स फ्रॉम द नॉलेज, आपके पास नॉलेज है तब फ्रीडम रियल फील होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि एजुकेशन शेरनी की दूध की तरह जो पीता वो दहाड़ने लगता है, सोशल रिवॉल्यूशन ले आता है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन पहला काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बेस है, उसके बाद बाकी जो भी छोटे काम है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहूँगा, रामबन का जैसे रिसेंटली आपको इंसिडेंट बताऊँ, अपने हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दरिया में फेंक दिया, तो उस चीज़ पर मैं काम करना चाहूँगा। बाकी फार्मर इशू, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, फार्मर इशू हो गया, इन पे वर्क करना चाहूँगा, ये प्रायोरिटी पे, यही प्रायोरिटी पे, तभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए तो अच्छा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे आप सेटिस्फाई ना रहें, इसके बाद जो भी यूपीएससी एग्जाम होने वाला है और ऑलमोस्ट करते हैं, आप भी उसको करें, तो हम एक बार फिर से आपका इंटरव्यू लेने आए, और इसी तरह से हमारे जम्मू परिवर्तन की जनता अगले साल भी आपको देखे जब आप जेकेपीएससी से यूपीएससी को क्लियर करोगे। देवेंद्र सिंह मिन्हास ने ये साबित कर दिया है कि मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, ये भी रामबन के एक पहाड़ी इलाके से आते हैं। 10th के बाद ही इन्होंने सोच लिया था कि मैं बाकियों की तरह अपने इलाके में रह के बजाय गाँव वाले काम करने के मैं पढ़ाई करूँगा और एक बड़ा मुकाम हासिल करूँगा। 10th के बाद अपने गाँव को छोड़ा, जम्मू में आए, अपनी 12th की ग्रेजुएशन की, और उसके बाद लगातार जो इनकी तैयारी थी यूपीएससी को लेकर वो की भी इन्होंने और एग्ज़ाम भी दिए, हालांकि कुछ ना कुछ कारणों से वहाँ सफल नहीं हो पाए, लेकिन जेकेपीएससी का जो इस बार का रिज़ल्ट था उससे ये भी खुश हैं
इनके जो खास रिश्तेदार हैं, इनके दोस्त हैं, इनके सगे संबंधी हैं, वो भी खुश हैं। और इनके घर वालों से हमने जब बात करने की कोशिश की थी तो इनके फादर साहब भी बहुत खुश थे इनके रिजल्ट को लेके। इन्होंने साबित करके दिखाया है कि अगर आपने सोच लिया है कि जो करना है वो होके रहेगा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जेके पीएसआई का एग्ज़ाम क्लियर किया था लेकिन मन नहीं माना तो नहीं गए। लेकिन इन्होंने उसका काउंटर किया, जो लोग इन पर सवाल करने लगे थे कि तूने ये नहीं किया, बड़ी गलती की, लेकिन इन्होंने जेके पीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा मारा है, जो इनके स्पेशली दोस्त इनको टीस कर रहे होंगे, क्योंकि लोगों का काम होता है ये सब बोलना। लेकिन अभी हम इनसे उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब ये यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो एक बार फिर से हम इनका इंटरव्यू लें और इनके तब क्या विचार रहेंगे और तब क्या रिएक्शन रहेगा वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं।